जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल यानी अनुच्छेद, यानी हम 1 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि हम आसानी से इसको कैसे याद कर सकते हैं। ऐसे तो आर्टिकल आपको ट्रिक से याद करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिक जो है 1, 2, 3 चीज में काम दे सकता है, लेकिन यहाँ पे 395 ऐड करें कैसे ट्रिक आप लगा सकते हो। ट्रिक लगेगा लेकिन पार्ट बाई पार्ट आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रिक वैसा चीज बनेगा नहीं, इसलिए मैं इसको आसानी से आपको 1 से लेकर 50 तक समझाऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो और कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसका एक वीडियो बनाया हुआ है 1 से लेकर 11 तक, लेकिन आज रिविजन के तौर पर हम इसको 1 से लेकर 11 तक देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको याद हुआ होगा, याद रहा होगा कि एक पहले वाले आर्टिकल में क्या था, पहले आर्टिकल में था हमारा क्या, तो पहले आर्टिकल में जो था हमारा 28 स्टेट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में कितने स्टेट है, तो पहला आर्टिकल डिफाइन करता है 28 स्टेट और 8 यूटी का, यानी 28 राज्य और 8 यूटी का यहाँ पे पहले पहले आर्टिकल में बताता है। और साथ में इंडिया को, भारत को, इंडिया को क्या बताता है, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बताता है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक तरह का राज्यों का संघ है आपका, यूनियन ऑफ स्टेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल 1 में क्या करा है, 28 स्टेट 8 यूटी और यहाँ पे इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है पहले आर्टिकल में कहता है। दूसरे आर्टिकल में क्या है आपको, एडमिशन ऑफ स्टेट, दूसरा में क्या आपका एडमिशन ऑफ स्टेट, एडमिशन एडमिशन ऑफ स्टेट यानी बाहर से आ रहा है स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट। और तीसरे में आपका सिंपल सा, तीसरे में आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट यानी एडमिशन ऑफ स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अभी तो याद कैसे करेंगे कि एडमिशन पहले आएगा या फॉर्मेशन पहले आएगा, तो सिंपल सा आपको याद करना है कि मान लीजिए कोई एक क्लास है, कोई एक क्लास है उसमें आपको ये 9th क्लास के स्टूडेंट है, 9th क्लास से आपको 9B बनाना है, ठीक है, 9th क्लास के स्टूडेंट है, यहाँ से हमको 9B बनाना है। तो वैसे हमको फायदा किसमें मिलेगा, फायदा उन स्टूडेंट से मिलेगा जो बाहर से एडमिशन कराएंगे या फिर जो स्कूल में 9 में पढ़ रहे हैं उन्हीं में से हम कुछ बच्चे को 9B में शिफ्ट कर दें। तो फायदा हमको किसमें होगा, जाहिर सी बात है फायदा हमको जो बाहर से स्टूडेंट 9B में एडमिशन कराएंगे उसमें ज्यादा फायदा होगा, ना कि जो स्टूडेंट को हम 9A से 9B में शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो एडमिशन जो होगा ऊपर में आएगा क्योंकि एडमिशन से फायदा होता है, तो एडमिशन ऑफ स्टेट जो होगा सबसे ऊपर में आएगा और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो होगा नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन ऑफ स्टेट क्या होगा आपका, आपका आर्टिकल 2 में आएगा। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि आप किसी भी राज्य से, आप 2-3 राज्य से कांट छाड़ के कोई नया राज्य बना दे या फिर आप किसी भी राज्य का बॉन्डिंग घटा बढ़ा सके, यह आपका आर्टिकल 3 में आता है। यानी आर्टिकल 2 में आएगा आपका कौन सा, एडमिशन ऑफ फर्स्ट स्टेट, आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट। आर्टिकल 2 में कौन कौन सा जाएगा, जैसे आपका पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये सब कैसे आया था, ये बाहर से हम लोग को मिला था। और फिर जो आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट क्या है आपका, जैसे तेलंगाना का राज्य का गठन हुआ था, फिर आपका बिहार राज्य का गठन हुआ, जो भी स्टेट का गठन हुआ था, जैसे आपका 14 राज्य था, मान लीजिए जब संविधान बना था तो उसमें 14 स्टेट थे, तो उसके बाद क्या हो गया आपका, धीरे धीरे आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट होते गया और आज हम लोग 28 स्टेट तक पहुंच गए। अब पहले हम बीच में 29 स्टेट में था, स्टेट भी था जम्मू कश्मीर, उसको भी हम काट छाड़ दिए आर्टिकल 3 के अनुसार, तो इसलिए है आपका। तो फिर से देख लीजिए, पहले पहले में क्या, 28 स्टेट 8 यूटी है, 28 स्टेट 8 यूटी है और इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया, दूसरे में एडमिशन ऑफ स्टेट और तीसरे में आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। फिर यहाँ पे आपका चौथे में क्या कर रहा है, चौथे में कहा जा रहा है कि आपका ये दोनों भी आर्मी, ये दोनों जो आपका एडमिशन ऑफ स्टेट और आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये दोनों ही बाहर रहेगा किसे, आर्टिकल 368 से, 368 से ये बाहर रहेगा आर्टिकल, ये दोनों जो आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट और आपका एडमिशन ऑफ स्टेट, ये दोनों ही आगे क्या होगा 368 से बाहर रहेगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 5, वैसे 4 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो 4 नंबर को छोड़ सकते हैं। 5 नंबर में, अब 5 नंबर में क्या है, 5 से 11 तक हमारा सिटीजनशिप होता है, नागरिकता आता है, तो 5 में क्या करता है, नागरिकता को डिफाइन करता है। 5 में क्या है, नागरिकता को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। और 6 में देखिए, 6 में आपका 6 नंबर में क्या है, वैसे लोग, यहाँ पार्टीशन की बात कर रहा है, वैसे लोग जो पार्टीशन के बाद, यानी आपका आपका पार्टीशन के बाद क्या होंगे, जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए उनकी नागरिकता के बारे में बात किया है, वैसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं उनकी नागरिकता का वर्णन किसमें, आर्टिकल 6 में है। और वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चल गए, जो इंडिया से पाकिस्तान चल गए उनकी नागरिकता क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। अगर वो सिर्फ पाकिस्तान से इंडिया आ गए तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी और वो जो है किसमें है आपका, आर्टिकल 7 में दे रखा है। एक बार देखिए कि आपका 6 में क्या है, जो लोग इंडिया से, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए पाकिस्तान के बाद, विभाजन के बाद, उनकी नागरिकता का वर्णन किसमें, आर्टिकल 6 में। और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी और जो लोग
इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर इंडिया गए, उनकी नागरिकता का वर्णन किस में आपका आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में किसका, तो आर्टिकल 8 में जो आएगा, आर्टिकल 8 में आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और या फिर एनआरआई कर सकते हैं, यानी है तो एनआरआई मदद नहीं कर सकते, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग जो है तो इंडियन, वो लोग जो है तो इंडियन लेकिन रहते कहाँ पे, रहते विदेश में, तो उनकी नागरिकता का जिक्र किस में आपका 8 में है, उनकी नागरिकता का जिक्र किस में 8 में है। और वैसे लोग जो दूसरे ग्रह, 9 नंबर क्या कह रहा है, और 9 नंबर कह रहा है कि वैसे लोग जो किसी और कंट्री का नागरिकता एक्सेप्ट कर लिए, उनकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वैसे लोग जो जिनका जो है आपका, जिन्होंने किसी और कंट्री का नागरिकता ग्रहण कर लिया है, उनकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो आपका आर्टिकल 9 में आता है, वो किस में आएगा, 9 में आएगा। 10 नंबर कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपको नागरिकता मिल गया तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता क्या होगी, बनी रहेगी। और 11 यहाँ पे आपका, 11 में नागरिकता पे कानून कौन बना सकता है, तो नागरिकता पे कानून जो आपका संसद बना सकता है, तो नागरिकता पे कौन कानून बनाएगा, आपका संसद कानून बना सकता है। ये चीज आपके आर्टिकल 1 से 11 तक में यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 1 से 50 तक सीरीज में, ये पार्ट 1 था हमारा, ये पार्ट 1 में आपका 1 से 4, पार्ट 2 में आपका 5 से 11, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे कोई आपको दिक्कत होता है इस समय तो आप बताइएगा हमें क्या है आपका, कैसा है। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 3 में। अब यहाँ से हम क्या करें, 12 से आपको पता होगा कि आर्टिकल 12 से 35 तक यहाँ का फंडामेंटल राइट है, और ये पार्ट 3 है, तो हम पार्ट 3 में यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, यहां तक देखेंगे 12 से 20 तक, ठीक है। 12 में क्या कहता है, 12 में सिंपली कह रहा है, 12 में आपका फंडामेंटल राइट को डिफाइन कर रहा है, सिंपल सा है, फंडामेंटल राइट को डिफाइन कर रहा है। 13 क्या कर रहा है, 13 में कह रहा है वैसे लोग जो फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं है, मतलब जो फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं है उसमें क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। सिंपल वे में बात कहें तो आपका जुडिशियल रिव्यू, सिंपल बात में कहेंगे तो आपका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू यानी आप क्या कहते हैं, वो लॉ जो फंडामेंटल राइट यानी आपका मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है, यानी उससे रिलेटेड नहीं है, यानी उसको फॉलो नहीं कर पाता है फंडामेंटल राइट को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को क्या करेगा, स्ट्रक डाउन कर देगा। जैसे कि 3 तलाक केस था, 3 तलाक केस को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था आर्टिकल 13 के हिसाब से, ठीक है। आर्टिकल 13 नहीं कहता है। 14 में क्या कहता है, 14 में कह रहा है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा अभी कह रहा है कि आर्टिकल 40 में कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है, कानून के समक्ष सभी समान है, इसका मतलब आपका कानून के समक्ष सभी समान है, और कानून जो है सभी को एक समान संरक्षण प्रदान करता है, कानून जो है सभी को एक समान संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे पार्ट 1 में क्या कह रहा है, आपका जो आपका कानून जो है सभी, कानून के सामने सभी क्या है, बराबर है, कानून जो है सभी को एक समान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक समान संरक्षण प्रदान करता है, एक समान संरक्षण प्रदान करता है। आप ये चीज याद किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है कहां से लिया गया है, ये आपका यूके से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये कहां से लिया गया, यूके से लिया गया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया, ये आपका यूएसए से लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तो देखिए आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, और यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब होता है कानून जो है सभी को एक समान संरक्षण प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूएसए से लिया गया और ये यूके से लिया गया, इतना चीज याद रखिएगा। आर्टिकल 15 जो हो गया, क्या हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसके नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे,
धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे कि लड़का है लड़की है इसके नाम पे, या फिर और किसी भी फॉर्म में आप इसको क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप जाति धर्म के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी भेदभाव के रिलेटेड। तो आप किसी भी धर्म जाति के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसका यही मतलब है। आर्टिकल 16 में देखेंगे, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 में देख लीजिए। आर्टिकल 16 में क्या हो गया आप यहाँ पे, आर्टिकल 16 में क्या होता है, भेदभाव के बाद क्या गया आपका, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, अवसर की समानता हो गया। अवसर की समानता मतलब सभी को एक समान क्या होगा, एक समान अवसर मिलेगा ताकि आप किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई यहाँ भी कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देगा। 17 नंबर क्या है आपका, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, ये क्या है आपका, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, UNTOUCHABILITY यानी छुआछूत को खत्म करना, यानी छुआछूत नहीं मानेंगे हम लोग, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अनटचेबिलिटी हम किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो टाइटल है उसके खात्मा। टाइटल कौन सा हो गया, राय बहादुर हो गया, या राय बहादुर जो भी बहादुर हो गया, ये सब टाइटल यहाँ पे नहीं चलेगा, यानी टाइटल की समाप्ति यहाँ पे। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर आपको प्रोवाइड क्या करता है, 19 नंबर में आएगा आर्टिकल 19, 6 राइट प्रोवाइड करता है, कौन सा, 6 राइट वहां पर मिलता है, 6 क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, 6 राइट होता है, 6 राइट कौन कौन सा है, तो आर्टिकल 19 का जो 6 राइट है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 राइट कौन कौन सा है, पहले यहाँ पे देखेंगे कैसा, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पहला आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या आपका पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे स्पीच है, आप बोलिए स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरा क्या है, असेंबली, यानी आपका क्या बनाएंगे, असेंबली बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, असेंबली बनाएंगे। तीसरा में क्या है आपका, आप यूनियन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आप यूनियन बनाएंगे, UNION, यूनियन यानी संघ बनाने का है, यहाँ पे आपका सभा बनाने का है, यहाँ पे संघ बनाने का है, सभा और संघ साथ में आएगा। चौथा में आप यहाँ पे जब यूनियन बना लिया तो क्या करेंगे, आप मूव करने की आजादी, यानी भारत के किसी भी पार्ट से एक जगह से दूसरे जगह आप मूव कर सकते हैं। पांचवे में आपका मूव करेंगे, फिर वहां पे बसने की आजादी, वहां पे रिसाइड करेंगे, यानी रिसाइड यानी वहां पे बसने की आजादी। और छठे में आ जाएगा आपका कौन सा, वहां पे ट्रेड करने का आजादी, यानी व्यापार करने का आजादी, तो ट्रेड का व्यापार, ट्रेड यानी व्यापार करने का वहां पे आजादी मिलेगा आपको। तो आर्टिकल 19 हमें ये 6 राइट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये 6 राइट कौन कौन सा है, पहला है हम क्या करेंगे, हम स्पीच करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी है। दूसरा है असेंबली, सभा बनाने की आजादी है। तीसरा है आपका यहाँ पे संघ बनाने की आजादी है, यानी यूनियन है आपका, यूनियन बनाने की आजादी। चौथा है मूव करने की आजादी, आप भारत में किसी भी राज्य से एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी आप यहाँ से बस सकते हैं, तो मूव करने की आजादी। पांचवा है आपका रिसाइड, बसने की आजादी, आप भारत में किसी भी पार्ट में आप जाके बस सकते हैं, वो है आपका बसने की आजादी। और छठा है वहां पे व्यापार करने की आजादी। कैसे याद रखेंगे मैं फिर से बता दूं, याद करने का तरीका इसमें क्या होगा, आप जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे वहां पे क्या करेंगे, आप कुछ बातचीत करेंगे, एक या दो लोग से बात करेंगे, यानी वहां पे स्पीच करेंगे, यानी बात करेंगे। बात करने से क्या होगा, चार पांच लोग आएंगे तो असेंबली बना देंगे, होता ना कि कहीं हम बात कर रहे हैं तो चार पांच लोग और आ जाते हैं, तो वहां पे वो भी बात करने लगते हैं, असेंबली बनाएंगे। अब ये सब धीरे धीरे क्या होगा, बात ज्यादा बढ़ेगा, असेंबली किसमें चेंज होगा, सभा में बन जाएगा, तो ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, चलिए घूमते हैं, अब यहाँ पे घूमेंगे तो कोई जगह पसंद आएगा तो वहां पे बसेंगे, और जब वहां पे बस जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई व्यापार करेंगे, तो आपका व्यापार करने की आजादी। तो ये 6 तरीके यहाँ पे आपका, पहला है बोलने की आजादी, फिर सभा बनाने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, घूमने की आजादी, बसने की आजादी, और आपका ट्रेड यानी व्यापार करने की आजादी। यहाँ पे 6 राइट प्रोवाइड करता है कौन, आर्टिकल 19, ये आपका आर्टिकल 19 6 राइट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 को हम फिर से आगे से देखते हैं, इसको यहाँ पे जो हो गया आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर दो, आपका 12 में क्या है, आपका फंडामेंटल राइट को डिफाइन करता है। 13 में क्या है आपका, जुडिशियल रिव्यू है, यानी यहाँ पर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं है तो वो क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। 13-14 हो गया आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहां से आपको पता ही होगा कि 14-18 में होता है हमारे कौन सा, 14 क्या होता है आपका,
इक्वालिटी ऑफ लॉ होता है ना, इक्वालिटी ऑफ लॉ होता है यहाँ पे 14-14 में। तो 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है, यानी हमारा कानून के समक्ष सभी क्या है बराबर है और कानून जो है सभी को एक समान संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे 15 में आपका भेदभाव, किसी भी फॉर्म का भेदभाव नहीं चलेगा यहाँ पे भारत में, चाहे वो भेदभाव जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी फॉर्म में आपका लिंग के नाम पे लड़का हो लड़की हो औरत हो जो भी हो आप ट्रांसजेंडर हो, तो कोई किसी भी फॉर्म का यहाँ पे भेदभाव नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आपका 16 में आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता मिलेगी यहाँ पे। फिर आपका 17 नंबर में अवसर की समानता किसमें मिलेगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो आपको वहाँ पे अवसर की समानताएं मिलेंगी वहां पे। फिर आपका 17 में अनटचेबिलिटी, यानी आपका छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत होगा यहाँ पे। फिर जो आपका टाइटल का अंत होगा, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आपका 18 में हो जाएगा, ये टाइटल का अंत होगा। और फिर 19 में आपका 19 में 6 राइट देता है जो कि आपका यहाँ पे है, आपका पहला है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर असेंबली है, फिर यूनियन है, फिर आपका मूव है, फिर आपका डिसाइड है, फिर आपका यहाँ पे क्या है ट्रेड है, यानी बोलने की आजादी, सभा बनाने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, फिर आपका मूव यानी घूमने की आजादी, बसने की आजादी और व्यापार करने की आजादी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आपको 6 राइट दिया गया है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 नंबर पे स्टार्ट करेंगे, ट्वेंटी से क्या हो जाए 20-21 यहाँ तक देखते हैं कहाँ तक आता है। यह हमारा 20 हो गया, यहाँ पे हमारा 20 हो गया, 21 हो गया, 21 ए आ गया, आपको पता ही होगा ए आपका कर कर सकते हैं, तो 22 यहाँ पे हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया। ठीक है यहाँ पे देखते हैं हम 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर कहता है यहाँ पे 20 नंबर का सिंपल समझ है डबल जियो पार्टी, इसका मतलब है डबल जियो पार्टी, बी ओ यू बी एन JOPARDY डबल जियो पार्टी। इसका मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक सजा, एक गुनाह के लिए एक ही सजा मिलेगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक गुनाह के लिए यानी एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगा, एक से अधिक सजा नहीं मिलेगा। यानी किसी भी व्यक्ति को एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगा, सजा उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगा और जेल में उसको संरक्षित दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगा और सजा जो है उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में इतना ही कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 21 यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या कहेगा यहाँ पे, जैसे कि आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसको हिंदी में कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और यहाँ पे जो रहेगा आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आएगा राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा, राइट टू प्राइवेसी। यहाँ पे विदेश जाने का भी आपका विदेश घूमने का आजादी यहाँ मिलेगा, विदेश घूमने का आजादी मतलब वातावरण स्वच्छ रखने का आजादी, बहुत सारा इसमें से आता है, राइट टू प्राइवेसी, विदेश जाने की आजादी हो जाएगा, बहुत सारी चीज इसमें आर्टिकल में बहुत सारी चीज आते हैं, राइट टू मैरी यानी शादी करने की आजादी भी आपको इसी में मिलता है, आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं 21 में भी क्या आएगा आपका, राइट टू एजुकेशन आएगा, राइट टू एजुकेशन यहाँ पे आएगा, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री राइट टू एजुकेशन मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन था, यहाँ पे जो संविधान संशोधन था 86 संविधान संशोधन था, कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था। यहाँ पे नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन क्या हो जाएगा आपका 6 से 14 साल के लिए बच्चों को जाएगा, और यहाँ पे जो आपका जाएगा कौन सा, 86वां संविधान संशोधन यानी CAA कह सकते हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये आपका राइट टू एजुकेशन को यहाँ पे आर्टिकल 21 में लाया गया था, राइट टू एजुकेशन में आर्टिकल 21A का करेक्ट चलेगा। ठीक है, अब आते हैं 22 में ये थोड़ा नीचे को लेगा, 22-23-24 22 नंबर क्या कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ये आपको क्या, ये सिर्फ आपको प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
यहाँ पे ये जो आपको प्रोटेक्ट करेगा किसे, आपको यहाँ पे जेल यानी अरेस्ट अरेस्ट और डिटेंशन होने से आपको बचाएगा ये। कैसे कि अगर आपको आपको आपके ऊपर पुलिस आपको अरेस्ट करने आता है तो आप पहले क्या मांगेगा, उसे वारंट मांगेगा और उसको क्या होगा फिर जो है आपका 24 घंटे के अंदर क्या होगा उसको 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास वहां से उसको ले जाना पड़ता है। यही आपको क्या कहता है आर्टिकल 5 करा है, ये किससे बचाता है आपको अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है। अगर आपको अरेस्ट कर लिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर क्या कहां ले जाएगा आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और अरेस्ट करने से पहले उसको वारंट दिखाना पड़ेगा कि आप किस वारंट के तहत इसको अरेस्ट कर रहे हैं। ये चीजें किसमें आएगा आपका, आपका आएगा आर्टिकल 23 में। और 24 घंटे के अंदर कहां पे ले जाएगा आपको मजिस्ट्रेट के पास, यहाँ पे मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम कर सकते हैं। फिर आपका 23 नंबर में क्या होता है आपका, 23 नंबर में होता है, 23 नंबर क्या आएगा, 23 नंबर में आ जाएगा आपका 23 नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 बाल श्रम हो गया, हाँ यहाँ पे आएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ये क्या बचाएगा आपको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी से बचाएगा, यानी प्रोटेक्ट करेगा जिसे मानव तस्करी और यहाँ पे आपका फोर्स लेबर यानी बंधुआ मजदूरी से बचाएगा। ये आर्टिकल में किसका है, आर्टिकल 23 किसका है आपका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आपका फोर्स लेबर मानव तस्करी और यहाँ पे आपका बॉन्डेड लेबर का जो होता है जो क्या करते हैं बॉन्ड लेबर को, इसे आपको बचाएगा मानव तस्करी से बचाएगा और आपका फोर्स लेबर से बचाएगा। तो आर्टिकल 23 में आपका ये कहेगा। अभी आपका एक लास्ट बचता है आपका आर्टिकल 24 जो कि आपका होता है अगर आपका 14 साल का उम्र से कम है, 14 साल के कम बच्चों को इंडस्ट्री में चाहे कोई भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में आपको श्रम करना करने पर नहीं होगा। कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है उसको इंडस्ट्री में उसको काम करने से क्या है मनाही है, उसको आप काम पे नहीं लगा सकते, वैसे काम जिसमें उसको जान जाने का प्रयत्न होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 24 में होगा 24 साल से कम उम्र तक आपको इंडस्ट्री में किसी बच्चे को नहीं रखना है, बस सिंपल से यही कहने का मतलब है। 23 में आपको मानव तस्करी और इसमें फोर्स लेबर यानी जो है बंधुआ मजदूरी को आपको बचाव करेगा इसको होने नहीं देगा। और 24 में आपको बच्चों को जो 14 साल से कम है उनको इंडस्ट्री में काम करने की क्या है मनाही है और उनको बचाएगा इससे उनके। ये हमारे 24 तक हो गया, अब हम बात करते हैं 25 से देखेंगे। देखिए सिंपल सा है, अब इसको देखिए याद करने का तरीका क्या हो सकता है, याद करने का तरीका जो होगा यहाँ पे देखिए 24 जो काम कोई भी क्या करेगा कितना घंटा कर सकता है, मैक्सिमम 24 घंटा काम कर सकता है। तो यही बात है कि 24 में क्या आएगा, 24 में काम आएगा किसके काम के, बच्चों के काम के लिए कहाँ पे इंडस्ट्री में मना ही है। तो यहाँ पे 24 घंटे से आप याद करिएगा कि 24 घंटे बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 24 यानी आपका 14 साल से जो कम उम्र है उनको इंडस्ट्री में आप काम नहीं करा सकते हैं, यही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 हो गया, अब हम 25, 26, 27 देखते हैं 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है, 25 में आपका फ्रीडम, अभी यहाँ पे आपका 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 25 में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, रिलीजन का प्रचार प्रसार है, यानी आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन का आप प्रचार कर सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह आपका आर्टिकल 25 में है। 26 में आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लीजिए रिलीजन का प्रचार प्रसार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। आर्टिकल 25 में करा है, आर्टिकल 26 करा आप रिलीजियस किसी मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करेंगे क्या, मैनेज रिलीजियस अफेयर क्या होता है, रिलीजियस अफेयर होता है मान लीजिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि दुर्गा पूजा आया तो एक हिंदू धर्म का रिलीजन है और आप इसको मैनेज रिलीजियस अफेयर मतलब दुर्गा पूजा के लिए क्या करना, हमको पंडाल लगाना है तो पंडाल लगाना है और वहां पे मेला आएगा, वो सब क्या होता है रिलीजियस अफेयर का आता है कि आप किसी भी धर्म के हैं तो अगर आप हिंदू है तो दुर्गा पूजा आ रहा है तो आप वहां पे आप पंडाल लगा सकते हैं रोड पे। फिर अगर आपका मुस्लिम है तो रमजान के टाइम में आप कहीं भी आप जाके कहीं भी एक बड़े मैदान में क्या कर सकते हैं, आप एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर आप सिख हैं तो आप क्या करते हैं जुलूस निकाल सकते हैं, आप सिख हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप रोड पे जुलूस निकाल सकते हैं। यही होता है आपका मैनेज रिलीजियस अफेयर हो गया।
आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का मूर्ति में लगा सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं या फिर नमाज अदा कर सकते हैं कहीं भी पब्लिक प्लेस में। तो ये होता है आपका मैनेज रिलीजियस अफेयर। फिर आपका आता है क्वेश्चन 27 में होता है किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी यहाँ पे टैक्स का मना ही होता है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये आपका इसमें बताता है 27 नंबर में। 28 नंबर में क्या करता है, 28 नंबर कहता है कि आप किसी भी धर्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूट में पार्ट ले सकते हैं। आप किसी भी धर्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम के मजार पे जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा में जा सकते हैं या फिर जो जैसे दूसरे धर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 28 में ही कहता है कि आप किसी भी धर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने धर्म के लिए आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टेशन ओपन कर सकते हैं। अब आता है आपका 29 और 30 में क्या होता है, 29 और 30 में आपका वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी यानी 29 और 30 में वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी यानी आपका अल्पसंख्यकों का उत्थान, यानी अल्पसंख्यकों का उत्थान होता है। आप कोई भी 29 में क्या वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का उत्थान हो जाएगा। और 30 में हो जाएगा अल्पसंख्यक कर सकते हैं, माइनॉरिटी जो है आपका क्या हो जाएगा, आप किसी भी अपने धर्म का माइनॉरिटी अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं, किसी कोई भी शैक्षिक इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे 29 में वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी हो जाएगा। अब माइनॉरिटी क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशन के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं। ये आपका 29 और 30 यहाँ पे कह रहा है। अब बात करते हैं 31 से, फिर तो देखिए 25 नंबर कह रहा है कि आप किसी भी रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में कह रहा है आप किसी भी रिलीजन के लिए, आप कोई भी रिलीजन होगा वो अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकता है, वो जुलूस निकाल सकते हैं, चाहे फिर आप वो मूर्ति पूजा कर सकते हैं, ये सब जो भी कर सकते हैं। 27 में किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 में क्या कह रहा है, 28 में कह रहा है आपका आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किसी भी धर्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पार्ट कर सकते हैं। 29 में क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनॉरिटी के उत्थान के लिए कर रहा है, और माइनॉरिटी अपने उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ये 29-30 हो गया। अब देखिए 31 नंबर, 31 नंबर है यहाँ पे, 31, 32 में आ जाएगा, 31 में आएगा। 31 क्या होता है, यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी होता है, जो कि क्या हो गया, खत्म हो गया है। कौन से संविधान संशोधन पे, 44 से संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया है, लीगल राइट बन गया है। और कौन से आर्टिकल में बना है, आपका 300 ई में बना है, आपका लीगल राइट बनाया गया है यहाँ से। अब आपके 32 में क्या होता है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहते हैं इसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। यहाँ से इसको क्या कहा है, बी आर अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने इसी को कहा है, आत्मा इसको कही है। और यहाँ पे जो जगह क्या इसको आत्मा कहा है, और यहीं से आपको क्या मिलता है, छह रिट्स मिलता है। इसके लिए क्या मिलता है, छह रिट्स में कौन कौन मिलता है, पहला है हैवेस कॉर्पस मिलता है, दूसरा है आपका मैंडमस मिलता है, मैंडमस, तीसरा आपका सर्टियोडिटी मिलता है, चौथा आपका क्या मिलेगा, आपका प्रोहिबिशन, और पांचवा में क्या मिलता है, कुओ और अंटो। यहाँ भी पांच तरह का रिट्स मिलता है, यहाँ पे हैवे कपस, मैटमस, सर्टिवरी, पॉलिटिशन, कुआरटो। हैवे कपस बंदी प्रोटेक्शन, मैटमस क्या हो जाएगा आपका परमादेश, फिर आपका उत्प्रेषण हो जाएगा, प्रोहिबिशन विशेष हो जाएगा, और यहाँ पे कुआरटो मतलब आपका अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ये छह चीज यहाँ, छह पांच रिट्स यहाँ पे इनको मिलता है।
हैवर का पास अगर आपको डिटेन कर दिया गया है तो आप यहाँ पे हैवर का पास लगा सकते हैं कि आपको इलीगल डिटेन कर दिया गया है। फिर आपका मैंडमस है, परमा आदेश देगा उसको, बड़ा वाला छोटे वाले का आदेश देगा। इसे आपका सर्टिफिकेट, अगर कोई जज है, अगर कोई कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो ये आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कोई कोर्ट है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय फैसला सुनाता है तो उस पर कौन सा लगेगा, प्रोहिबिशन लगेगा। और यहाँ पे वारंट है, अगर कोई किस अथॉरिटी से वहां पे किसी भी पद पे बैठा हुआ है वो आपको वहां पे वारंट वहां पे लगने वाला है। ये आपका छेरिट से, जो कि आपका किसमें आएगा, आर्टिकल 32 में आएगा। इसको आपका बी आर अम्बेडकर ने संविधान की मूल आत्मा का है और सुप्रीम कोर्ट जो आपका फंडामेंटल राइट का जो केस सुनाता है वो आपका इसी आर्टिकल 32 से आपको लेता है रिट के लिए। यहाँ पे ये हो गया। अब है आपका 33, 34, 35 के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे 34 मार्शल आ गया, मार्शल लॉ। 34 में मार्शल लॉ आ जाएगा। उस समय आपको कौन कौन से राइट्स दिए जाएंगे वो आपका केस में आर्टिकल 34 में दिया गया है। तो 33 में आपका आर्म फोर्स के लिए है और 34 में आपका मार्शल लॉ के लिए है। जब मार्शल लॉ लगेगा तब आपकी आपके अधिकार क्या होंगे वो यहाँ पे बताया गया। और 35 नथिंग है, 35 में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिविजन कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। उसके बाद हम लोग 36 से 51 तक चलेंगे डीपीएसपी का, 36 से 51 तक डीपीएसपी चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई धारा नहीं मांगी। फिर से देखते हैं, रिविजन करते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या था पहला में? पहला था हमारा 28 स्टेट और 8 यूटी था। और इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया। दूसरे में कहा गया है एडमिशन ऑफ स्टेट। तीसरे में कहा गया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। चौथे में क्या गया, अगर एडमिशन ऑफ स्टेट अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट दोनों ही क्या होगा 368 से बाहर रहेगा। चौथे में ये कहा गया। पांचवे में नागरिकता के लिए। छठे में क्या है, वैसे लोगों के नागरिकता के बारे में है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए विभाजन के बाद। फिर जो है यहाँ पे सातवें में कह रहा है, वैसे लोगों की नागरिकता है जो आपको इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं और फिर वापस इंडिया आ गए उनकी नागरिकता के वर्णन किसमें है, आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में क्या है आपका, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लोग जो है तो इंडियन लेकिन रहते कहाँ पे, विदेश में रहते हैं, उनकी नागरिकता का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 कह रहा है कि अगर आप किसी भी दूसरे देश का नागरिकता एक्सेप्ट कर लिए तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो आर्टिकल 9 में आ गया। आर्टिकल 10 में आपका जो है नागरिकता का कानून जो है नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। अगर आप कोई देशद्रोही वाला चाहे देश विरोधी काम करते तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये कहते हैं आप आर्टिकल 10 में। यानी नागरिकता का बने रहना आर्टिकल 10 में आएगा। 11 में नागरिकता पे कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है। संसद जो है नागरिकता के लिए कानून बना सकता है, आर्टिकल 11 में आ जाएगा। ठीक है, अब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर वैसे कुछ है नहीं तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को डिफाइन करता है। 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर वैसे कानून जो फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं है वो क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहेगा, स्टेप डाउन कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना देगा, असंवैधानिक बता देगा। ये आपका आर्टिकल 13 में आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 यानी सिंपल सा वर्ड क्या है, तो आपका जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 13 के तहत आता है। 14 नंबर क्या आ जाएगा, 13 नंबर क्या एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, यह 3 तलाक केस उसने हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने। 14 नंबर क्या आएगा, राइट टू इक्वालिटी यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर है, कानून जो सभी को एक समान संरक्षण प्रदान कर रहा है। आर्टिकल 14 में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया, यूके से लिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया। ठीक है, 15 में आर्टिकल 15 आप किसी भी धर्म जाति के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी इसी पे आधारित थी। आर्टिकल 16 में क्या करा है कि आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सभी को अवसर की समानता मिलेगा, किसमें, पब्लिक जॉब में मिलेगा। 17 में क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी जो आपका अस्पृश्यता को यानी छुआछूत का अंत हो जाएगा आपका आर्टिकल 16 में। टाइटल 17
18 नंबर टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल यानी आपका उपाधियों का अंत हो जाएगा। आर्टिकल 18 में क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत हो जाएगा। 19 में आपको 6 राइट दिया गया। कौन कौन सा राइट है, पहले है बोलने की आजादी, फिर उसके बाद क्या है सभा बनाने की आजादी, फिर आपका है संघ बनाने की आजादी, फिर चौथा है आपका घूमने की आजादी, फिर आपका पांचवा बसने की आजादी, और छठा है आपका व्यापार करने की आजादी। ये 6 राइट किससे मिला था, 19 मिला है। 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब कि किसी भी इंसान को एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगा, सजा उस समय के कानून के प्रावधान के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, आज का 20 हो गया। अब यहाँ पे 21 से 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या हो जाएगा, यानी आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ से आपको राइट टू प्राइवेसी मिल जाएगा, राइट टू प्राइवेसी के बाद राइट टू मैरी मिल जाएगा, फिर आपको जो है आपका स्वच्छ एनवायरमेंट मिल जाएगा, विदेश जाने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत मिल जाएगा। आर्टिकल 21 जो है आपका सबसे बड़ा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीज आते हैं इसमें, तो वो सब देख लीजिएगा आप। 22 में आते हैं हम लोग, 22 में कह रहा है कि आपको अरेस्ट और डिटेंशन से बचाएगा, यानी किसको किससे बचाएगा, आपको अरेस्ट होने से और डिटेंशन से बचाएगा। अगर आपको अरेस्ट कर लिया है तो आपको उससे पहले आपको क्या हुआ, वारंट दिखाया जाएगा। अगर वारंट दिखा दिया जाए तो आपको 24 घंटे के अंदर में क्या हुआ, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा आर्टिकल 22 के तहत में। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है, आर्टिकल 23 कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी आर्टिकल 23 में हो रहा है आपका, हाँ आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी आपको मानव तस्करी से बचाएगा और आपको जो बंधुआ मजदूरी से बचाएगा। 24 नंबर किसी भी जो भी लड़का है जो भी बच्चा है जो 14 साल से कम उम्र है उसको आप इंडस्ट्री में जॉब नहीं दे सकते हैं, जॉब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्या रहा है, 25 नंबर आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म का प्रचार प्रसार आपका 25 में हो जाएगा। 26 में हो जाएगा आप अपने धर्म को रिलीजियस मैनेज रिलीजियस अफेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं, आप नमाज अदा कर सकते हैं, आपका यहाँ पे आर्टिकल 25 हो जाएगा। यहाँ पे जो पंजाबी लोग जो है आप जो तलवार रखे रहते हैं पगड़ी धारण करते हैं वो आपका आर्टिकल 25 से ही रखे रहते हैं। आर्टिकल 26 में क्या आएगा, आर्टिकल 26 में रिलीजियस अफेयर हो गया। 27 में आपका आप किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए धर्म के उत्थान के लिए आप वहां पे टैक्स नहीं लगा सकते हैं, 27 में टैक्स नहीं लगाएंगे। और 28 में क्या हो जाएगा, 28 में आप किसी भी दूसरे धर्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पार्ट ले सकते हैं, या फिर अपने रिलीजियस के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, ये भी आपका 28 में आएगा। अब आते हैं 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 में 29 है किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए, यानी आपका अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आपका आर्टिकल 39 आएगा। आर्टिकल 30 किसमें आएगा, आर्टिकल 30 आएगा कि माइनॉरिटी अपने उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, यानी आपका इंस्टीट्यूशन वो खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो खोल सकते हैं। 31 में क्या आएगा, राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन से, तो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है और इसको लीगल राइट बना दिया गया, कौन से आर्टिकल में, 300A में। 32 नंबर है, 32 नंबर क्या है, 32 नंबर आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, इसको अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा माना है। इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 राइट जारी करता है, 5 या 6 मुझे याद नहीं रहा है, तो कौन सा हैवे कॉर्पस है, फिर आपका मैंडमस है, सर्टिडी है, प्रोहिबिशन है, अक्वरंटो, ये 5 रिट्स यहाँ पे जारी करता है। कॉर्पस अगर आपको कोई अरेस्ट कर लिया है तो आपको क्या होगा, कोई इलीगल डिटेन कर लिया है तो आप वहां से हैवे कॉर्पस लगा सकते हैं। दूसरा है आपका मैंडमस, आपको आदेश दिया जाएगा ऊपर वाला किसको, आपने अपने आप जूनियर को आदेश दे सकते हैं। तीसरा आपका जो हाईकोर्ट जो कोर्ट है वो अगर अपने जुडिशियल यानी वो अपने अधिकार के बाहर जाकर कुछ कर रहा है तो आपका वहां पे लगा सर्टिडी लगा सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा सर्टिफिकेट प्रोहिबिशन, अगर कोई कोर्ट अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई निर्णय फैसला सुनाता है तो उसको रोकने के लिए आपका प्रोहिबिशन लगता है। और लास्ट में आपका क्वारंटो यानी आपको अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से आप किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 32 हो गया। 33 में क्या है, 33 में उनके लिए किसके लिए, आर्म फोर्स के लिए है, जो लोग आर्म फोर्स में है उनके अधिकार के बारे में किसका है आर्टिकल 33 में। 34 में अगर आप मार्शल यहाँ पे आ जाओ, 34 में मार्शल लॉ यहाँ पे आर्म फोर्स हो जाएगा 33 में,
चौथे में आ जाएगा मार्शल लॉ, यानी जहां भी मार्शल लॉ लगा हुआ है उस हिसाब से उस वहां पे जो आपका राइट्स क्या होगा वहां पे जो डिफाइन किया गया वो आपका आर्टिकल 34 में दिया गया, यानी 33 में आपका आर्म फोर्स और 34 में आपका मार्शल लॉ। अब 35 में क्या जाएगा, 35 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 आप छोड़ दिए। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ पे कंप्लीट होता है, पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग एंटर करते हैं पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में। पार्ट 4 यहाँ पे 36 से 51 हो जाएगा, पार्ट 4 36 से 51 तक चलेंगे। चलिए यहाँ पे 36 नंबर, 39 में सी आ जाएगा, 40 थोड़ा थोड़ा धीरे चलेंगे ताकि आपको लोग आसानी से समझ में आ जाए। 36 समय क्या कर रहा है, 36 समय कर रहा है आपके यहाँ पे पेपर था आपका डिफाइन कर रहा है, आपने मार्जिन डिफाइन कर रहा है 36 में क्या है, नॉन जस्टिफिकेबल नॉन जस्टिफिकेबल मतलब अगर जैसे कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर किसी का डीपीएससी यानी आपका डीपीएससी वायलेट हो रहा है तो क्या वो न्यायालय में जा सकता है, क्या वो कोर्ट में जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन जस्टिफिकेबल है। फंडामेंटल राइट क्या था, जस्टिफिकेबल था, इसलिए आप न्यायालय में जा सकते थे आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन यहाँ अगर किसी का डीपीएससी वायलेट हो रहा है, वायलेट उल्लंघन हो रहा है, तो उस केस में वो कोर्ट में नहीं जा सकता है डीपीएससी को इन्फोर्स करने के लिए। तो आर्टिकल 37 हो जाएगा आपका नॉन जस्टिफिकेबल है, आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। 38 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा आपका वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट ये हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। राज्य क्या कर सकता है, अपने कल्याण कर सकता है अपने स्टेट में, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का धारणा किसमें, आर्टिकल 38 में। सिंपल सा पूछेगा वेलफेयर स्टेट का धारणा किसमें है, तो आर्टिकल 38 में, ये आपका याद रखना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट किसमें आता है, आपका आर्टिकल 38 में आता है। 39 में क्या आता है, वेलफेयर ऑफ पीपल, आर्टिकल आएगा वेलफेयर ऑफ पीपल आ जाएगा। पीपल में क्या आएगा, विमेन आ जाएगा, मेन आ जाएगा, चिल्ड्रन आ जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 39 में आएगा वेलफेयर ऑफ पीपल, लेकिन 38 में कहेगा वेलफेयर ऑफ स्टेट आ जाएगा, वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज, और यहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए आएगा, लोगों के कल्याण के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 39 ए में क्या आएगा, इक्वल जस्टिस, सभी को क्या मिलेगा, ठीक है, 39 ए में क्या आएगा, इक्वल जस्टिस आएगा, यानी सभी को एक समान न्याय मिलेगा, सभी को एक समान न्याय, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, यानी समझते हैं आर्टिकल 39 में आपको इक्वल जस्टिस यानी एक समान न्याय मिलेगा। और अगर आप गरीब हैं तो आपको आपको अपने लड़ने के लिए आपको यहाँ पे वकील मिलेगा, सरकारी वकील मिलेगा, फ्री में फ्री लीगल एड दिया जाएगा आपको, एक वकील मिलेगा, सरकारी वकील मिलेगा। तो यह आपका 39 ए में आएगा, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल यानी समान न्याय मिलेगा सभी को, सभी के लिए एक समान न्याय मिलेगा, 39 ए में मिलेगा। 39 सी, धन का एक जगह इकट्ठा होना, यानी किसी भी व्यक्ति के पास ज्यादा धन जमा ना हो सके, इसका जो प्रावधान किसमें होगा, आर्टिकल 39 सी में हो जाएगा, आर्टिकल 39 सी में हो जाएगा। और 39 बी में क्या रहेगा आपका, समान काम समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम समान वेतन। पूछ देता है समान काम समान वेतन किस आर्टिकल में आता है, 39 डी में आता है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी धन का क्या होता है, कंसंट्रेशन हो जाता है एक ही जगह पे जमा हो जाना, वो कहां पे आता है, आर्टिकल 39 सी में आता है। इक्वल जस्टिस किस में आएगा, 39 ए में आता है। और 39 क्या आएगा, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण के लिए, कल्याण मतलब बच्चों के, और यहाँ पे आगे भी है इसमें क्या आएगा, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए किस में आएगा, 39 में आता है। बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, बच्चे के देखभाल के लिए आपका 39 में ही आता है। आगे
तो ठीक है, अब 40 में क्या होगा, 40 में आपका हो जाएगा, 40 में क्या होगा, ग्राम सभा का गठन हो जाएगा, पंचायत का गठन, ग्राम सभा भाई पंचायत का गठन किसमें आता है, आर्टिकल 40 में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, आपको याद ही होगा ग्राम सभा यानी आपका पंचायत का गठन किसमें है, आर्टिकल 40 में है, तो ये 40 तक कंप्लीट हो गया। फिर से देख लीजिए छत्तीस समय क्या करता है, छत्तीस समय डिफाइन करता है, छत्तीस समय है नॉन जस्टिकेबल, अगर आपका डीपीएससी वॉयलेट हो रहा है तो आप वहां पे कानून के पास नहीं जा सकते हैं। अड़तीस हमारे वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की धारणा किसमें, आर्टिकल 38 में है। 39 में क्या रहा है आपका वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण के लिए किसमें, आर्टिकल 39 में। 39 ए में क्या है, सभी को एक समान जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और अगर कोई गरीब है तो उसको क्या मिलेगा, फ्री लीगल एड्स मिलेगा, उसको एडवोकेट प्रोवाइड कर देगा फ्री में। फिर यहाँ पे 39 सी में आएगा, सी में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, यानी एक ही जगह पे धन जमा नहीं होना चाहिए, एक ही के पास धन नहीं जाना चाहिए। 39 डी में क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, यानी समान काम समान वेतन, आर्टिकल 39 डी में आता है। 40 में क्या होता है, 40 में आपका पंचायत का गठन आता है, पंचायत का गठन आता है, ठीक है, पंचायत में यहाँ पे गठन आ जाएगा, सिंपल से बात करें तो। 40 में क्या हमारे यहाँ पे 41 में देखते हैं, 41 में क्या हो जाएगा, 41, 42, 43 यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे 43 ए 43 बी आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ये आता है 41 करीबन जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। 41 क्या आता है, 41 देखिए राइट टू वॉक आता है, 41 में क्या आएगा, राइट टू वॉक जैसे एग्जाम्पल मनरेगा जो आता है पूछ देगा, मनरेगा किस आर्टिकल में आता है, मनरेगा जो आता है आपका आर्टिकल 41 में आता है, मनरेगा किस में आएगा, आर्टिकल 41 में आएगा, क्योंकि क्योंकि ये होता है 41 में क्या कहता है, राइट टू वर्क करता है, राइट टू वर्क किस में है, आर्टिकल 41 में है। फिर आपका 42 में क्या कहता है, अगर अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं कैसा इन्वायरमेंट वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे गुड वर्किंग कंडीशन वहां का जो है वर्किंग कंडीशन जो है अच्छा होना चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मतलब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, लेकिन उसका वहां पे पेमेंट नहीं काटा जाएगा, उसको वहां पे बस वहां पे मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा वहां पे, ठीक है। आर्टिकल 42 में क्या आएगा, गुड वर्क अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा, काम करने के लिए क्या मिलेगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा, वो अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा और मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा महिलाओं को। कितने वीक है यहाँ पे, 26 वीक है, कितना वीक है आपका, 26 वीक है, अभी फिलहाल 26 वीक चल रहा है, 26 सप्ताह चल रहा है, अब आपके टाइम में कितना चलेगा वो आप बाद में देख लीजिएगा, अभी फिलहाल 26 वीक है मैटरनिटी रिलीफ। अब यहाँ पे है आपका 43 में आपका लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, यानी वर्कर के लिए एक लिविंग वेजेस होना चाहिए, लेकिन मतलब वो इतना देखिए उसको उसको इतना पेमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अपने वो अपना और अपनी फैमिली का निर्वाह कर सके, यही कर रहा है आर्टिकल 43 कर रहा है, लिविंग वेजेस यानी वेजेस मिलना चाहिए किसको, वर्कर के लिए, इतनी तो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो अपना और अपने फैमिली का निर्वाह कर सके, आर्टिकल 43 में कहता है। 43 में ए में कह रहा है, ये देखिए किसके लिए, वर्कर के लिए, वर्कर कहाँ पे काम करेगा, इंडस्ट्री में, वर्कर कहाँ काम करता है, इंडस्ट्री में, तो अगला जो है आपका इंडस्ट्री से ही आएगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में किसका पार्टिसिपेशन, वर्कर का, यही हो जाएगा आपका 43 ए में आएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्या हो जाएगा। 43 में क्या था, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर को इतनी तो वेजेस मिलनी चाहिए जिससे वो अपना और अपनी फैमिली का निर्वाह कर सके। 43 ए में क्या कहता है, पार्टिसिपेशन वर्कर का पार्टिसिपेशन किस में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, आर्टिकल 43 ए होता है, यानी पार्टिसिपेशन वर्कर का पार्टिसिपेशन सहभागिता किस में, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, आर्टिकल 43 ए में आता है। 43 बी में क्या आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां, सहकारी समिति किस में आएगा, 43 बी में आएगा।
सहकारी समिति किस में आएगा 43D में आएगा और इसका संविधान संशोधन कौन सा है 57 में। इसका संविधान संशोधन है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन ठीक है। फिर देखिए 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 44 में क्या आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी गोवा में चल लगा हुआ है तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेगा आचार संहिता आएगा आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा आर्टिकल 44 में 45 में आएगा एजुकेशन के लिए यानी आपका एजुकेशन के लिए आएगा एजुकेशन कब से कब तक 6 साल तक है यानी 6 साल से कम बच्चे के लिए एजुकेशन का प्रावधान किसमें आर्टिकल 45 में 46 में क्या आपका 46 में आपका एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके लिए एससी एसटी के लिए इकोनॉमिक एससी एसटी के लिए आपका एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जाएगा यानी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके लिए एससी एसटी के लिए आपका किसमें आएगा 46 में आएगा। फिर से देखिए 41 में क्या है राइट टू वॉक हो जाएगा मंडे का 41 में आता है 42 में क्या आएगा आपका वर्कर के लिए गुड वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए मतलब अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट मिलना चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए 43 में आएगा लिविंग वेजेस वर्कर को इतना वेज मिलना चाहिए ताकि वो अपने और अपने फैमिली का निर्वाह कर सके 43A में पार्टिसिपेशन वर्कर का पार्टिसिपेशन किसमें इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में आना चाहिए किसमें आएगा 43A में 43B में आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति आएगा 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा जो कि अभी गोवा में लगा हुआ है 45 में आएगा एजुकेशन किसके एजुकेशन के लिए जो 6 साल तक के लिए बच्चे हैं उनके एजुकेशन का प्रावधान किसमें आर्टिकल 45 में 46 में आपका एससी एसटी के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसमें है आपका एससी एसटी के लिए आपका 46 में आ जाएगा। अब बचता 47, 48, 49, 50 लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना और क्या करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना आर्टिकल 47 में जाएगा। इसी के तहत क्या है आपका यहाँ पे शराबबंदी है शराब को सेवन करने से मना ही किसमें है आपका आर्टिकल 47 में शराब के सेवन से मना ही किसमें है आपका आर्टिकल 47 में है। और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अपने लोगों के लिए न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना और क्या है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग